तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसमोर्स। आई एम प्रमोद यादव गाइस। सो मेरे पास अभी खड़ी है R5 V3 BS6, तीनों कलर्स खड़े हैं मेरे पास। तो आज बात करते हैं एक अलग ही टॉपिक पर, R5 V3 BS6 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बात करें थे क्या क्या एडवांटेज है R5 V3 BS6 मॉडल्स की। तो सबसे पहले एडवांटेज मैं आपको बताऊँ तो ये है कि तीनों वर्जन में, तीनों कलर इनमें ग्राफिक्स चेंज कर दिए गए हैं, एक नई कलर स्कीम दे दी गई है। तो उसे एक चेंजेस आ गए लुक में, काफ़ी लोग बोर हो गए थे पुराने लुक से, तो अब एक नया लुक मिल जाए आपको, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो एडवांटेज नंबर टू की बात करूँ तो मैं आपको, इसमें सिंगल हॉर्न था पहले, जैसे इसमें ड्यूल हॉर्न कर दिए गए हैं तो आवाज़ आपको लाउड मिलेगी और शार्प मिलेगी। तो ये भी बहुत बढ़िया एडवांटेज है, काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था सिंगल हॉर्न पहले, तो कंप्लेंट थी उस पर, हमने काम किया तो ड्यूल हॉर्न दिए, तो ये एडवांटेज भी बहुत अच्छा है। और एडवांटेज की बात करूं मैं आपको तो इसमें एक स्टैंड कट ऑफ फंक्शन दे दिया है, जैसे कि बाइक का स्टैंड लगा हुआ है और आपने गियर डाला तो बाइक वहीं पे बंद हो जाएगी जब तक आप स्टैंड नहीं हटाओगे। तो ये सेफ्टी फीचर है, काफ़ी लोग हटाना भूल जाते हैं स्टैंड, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज रहने वाला है। तो ये बात करते हैं स्टैंड फीचर की, तो गाइस बाइक ऑन करता हूँ मैं और स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं अभी स्टैंड लगा हुआ है, जैसे हम गियर में डालेंगे इसे तो बाइक बंद हो जाएगी। देख रहे हैं आप, इधर से आप बाइक ऑन नहीं हो रही है, जैसे आप स्टैंड हटाएंगे बाइक ऑन हो जाएगी। एडवांटेज नंबर 4, सो ये है कि जैसे कि इनके अलॉय थे इन पे स्ट्राइप चेंज कर दी गई है, और जो ब्लू वर्जन है उसमें एलोए का कलर चेंज कर दिया गया है ब्लू कलर। तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है, इससे एक न्यू लुक मिलती है बाइक को। और एडवांटेज नंबर 5 की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, तो कि बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपको, जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है बाइक में ब्रेकिंग मारने में। तो ये थे कुछ एडवांटेज इस बाइक में BS6 मॉडल में। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो अभी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सबसे पहले डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इसके USD फोक्स, इंटरनेशनल मॉडल में USD फोक्स आते हैं, अपने इंडियन में अभी भी टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं, बट यहाँ हमको USD फोक्स देने चाहिए थे। और सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको इसकी जो टॉर्क और पावर थी वो डिक्रीज कर दी गई है BS4 मॉडल से, बट इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बट टॉर्क इसकी थोड़ी इंक्रीज कर देनी चाहिए थी जिससे इसका पिकअप बढ़ जाए। और थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका प्राइस, तो गाइस BS6 मॉडल आने से इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है पहले BS4 मॉडल से, जो कि इतना, क्योंकि BS6 मॉडल आया है तो उसमें पोल्यूशन कम होगा इसलिए प्राइस थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है, 4000 प्राइस इंक्रीज हो गया है BS4 मॉडल से। और फोर्थ पॉइंट की बात कर ले इसकी सीट के बारे में, तो गाइस जो इसकी पहले सीट थी वही सेम आते, थोड़ी कुछ नहीं इसकी सॉफ्ट कर देनी चाहिए थी जिससे लॉन्ग राइड पे आपको आसानी रहे, बट अभी भी वही सेम सीट मिलती है आपको इसमें। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें आप तो इसमें विजिबिलिटी की बात करते हैं इसकी लाइट की, हेडलाइट की, तो गाइस रात को इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है नॉर्मल, जैसे कि सामने से कोई लाइट पड़ेगी तो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है लाइट की, वो एक डिसएडवांटेज है इसका। सो ये थी कुछ इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब बताओ आपको और क्या कमी लगी इसमें और कोई अच्छाई लगी इसके अंदर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दो, दोस्तों सब्सक्राइब कर देना।